गुड मॉर्निंग गाइस, और टाइम हो रहा है 4:55। हम लोगों ने अभी एंटर किया जस्ट ट्रेन, पहले नंबर प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी हुई थी। B4 B5 हमारा कंपार्टमेंट ये है। दुकान ले आया मेरे उठा के, बड़ा दूर मिला, कोई दुकान ही नहीं खुली थी यहाँ पे। एक दुकान खुली, एक खुली तो सारा सामान ले लिया। टाइम हो गया 5:34 5:33 का टाइम था, और बिल्कुल राइट टाइम चल रही है ट्रेन। उम्मीद करते राइट टाइम पहुँची भी जाइए। और विक्रम और ठंडा भी स्टार्ट हो गई। विक्रम सो जा, अब यहाँ पे भी खाली पड़ी ट्रेन, लग रहा है आगे से बैठेंगे लोग। चल निकल गया पनवेल स्टेशन। पर एक चीज़ है, यहाँ पे चाय के वेंडर्स वगैरह नहीं आते इतने इतने चाय से। हम नॉर्थ इंडिया में चाय चाय वगैरह बोलते रहते हैं, पूरे घूमते रहते हैं, यहाँ चाय नहीं है। हम लोग बैठे हैं 5:30 से भी 7 बज गए, बस चाय 1.5 घंटा हो गया, कोई चाय नहीं मिली हमें अभी तक। अब यहाँ रुका हूँ मैं, ये यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई, यहाँ पर देखता हूँ एक बाहर का एक वेंडर है वहाँ तक चाय। मीठा है फीके चावल, और ये ब्रेड आमलेट खा रहे विक्रम, मैं पोहा, और भाई साहब ब्रेड आमलेट लगे हुए हैं। नींद नहीं आ रही किसी को, क्योंकि सीट मिल गई है ना, अभी सीट नहीं मिली तो सबको नींद आ रही होती। और मुंबई के बाद ये पहला स्टॉपेज है खेड़, जो कुछ 200 किलोमीटर के बाद पड़ता है, और छोटा सा स्टेशन है पर सारा स्टॉप बनाया हुआ है इन्होंने। अगर हम देखते हैं साउथ की मूवीज में स्टेशन दिखाते हैं, उसी टाइप का कुछ लग रहा है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो पहाड़ी, यहाँ से रोड बनी हुई है इस तरह से ऐसे करके, फिर इसके पीछे चली जाती है, और पहाड़ वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, दिखने स्टार्ट हो गए हैं। छोटे छोटे पहाड़ हैं, अच्छे हैं, जो बॉम्बे टू गोवा जर्नी बोलते हैं कि रोड ट्रिप बहुत अच्छी है। आप बताओ कैसे खाना है, बीच में से दिए करो करो, उसके बाद वो डालूंगा बीच में। अच्छा पैसे भी देने हैं उनको। ये किस चीज़ चटनी है, मिर्च है ये? मिर्च और ये अच्छा ले भाई, आराम से आराम से चटनी है इसकी। इसमें नहीं है इसके टाइमिंग का भाई, अच्छा नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ये सारे दिन इसने बस नेटफ्लिक्स देखी, मतलब घूमने आया पर नेटफ्लिक्स। ये अगर ट्रेन पे तो लेट चलती है, 1 घंटा लेट टाइम पे पहुंच जाएगी, 20 मिनट लेट पहुंचेंगे हम। नहीं तो वैसे फिलहाल कर 1.5 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट है। कौन सा स्टेशन आया करो, क्या नाम स्टेशन? गोवा नहीं जा रहे, अभी कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर भेजने जा रहा है। सो ये देखना है कि यहाँ से कुछ मिलेगा कि नहीं बाहर, क्योंकि थिरुम से तो मिल जाता है, यहाँ से पता नहीं मिलना है कि नहीं। ये थिरुम का है स्टेशन है, छोटा सा ही है बस, यहाँ बाहर से टैक्सी मिलनी है। हम जाना पंजिम आज, और कितने 10 से 11 घंटे की जर्नी करके। टैक्सी तो बहुत है पर टैक्सी मिलेगी कहाँ से यार, ये तो बंदे तो खड़े हैं टैक्सी, हमें कोई पूछ रहा, सबको पूछ रहे हैं नंबर नंबर के हिसाब से चलते होंगे। नहीं नहीं पंजिम जाना है, होटल कैंपल, 4 लोग हैं। फुली प्रिपेयर टैक्सी 500 रुपए की कैंपल होटल तक सीधे। मैंने जिसमें हम पहले बचपन में पिक्चरों में किडनैप करते थे, होटल सीधे उनको पता है कैंपल होटल सीधे ही लिखा है इस पे, 500 रुपए लो। और यहाँ गर्मी की बताएं तो आपको 32 डिग्री टेम्परेचर, कितने डिग्री टेम्परेचर था फोन में था वो 36 डिग्री टेम्परेचर। ये we
प्लेट उलट लगा दूं। प्लीज क्लीन माय रूम, लगा दूं बिल्कुल, लगा दूं बाहर। बोल बोल दोबारा बोल दोबारा। कितने की है? कितना घुस हुआ? इतना घुस हुआ तू? बोर्ड का ग्रेड देखना, देखना बोर्ड का ग्रेड। 279 ठीक है यार। दारू पी ले और अभी निकल रहे हैं हम लोग, कपड़े वही पहने कल से। मेरा मार बीच के लिए निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है अभी 7:45 और शायद सिटी बस 8 बजे तक चलती है, तो देखते हैं कि अभी मिलती है कि बस नहीं मिलती है, टैक्सी मिलती है क्या मिलती है, उसके बाहर से पता करते हैं क्या मिलता है। और हमें अपने होटल के बाहर से मिली ये सिटी बस जो हमें लेके पहुंची मीरामार बीच, जो कि हमारे होटल से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पर था, और हमने पर पर्सन 10 रुपीज़ पे किए। जल्दी आने का, 9 बजे लास्ट, 9 बजे गाड़ी नहीं होती, जल्दी आने का। 8:40 तक इधर पहुँचना मंगा। थैंक यू। और ये हमारा गोवा ट्रिप का पहला बीच जो कि हमें अभी दिखा नहीं अभी तक, बस मिट्टी मिट्टी दिख रही है, अभी लाइट की वजह से दिख रही है, बाकी पता समुद्र कहाँ है कि नहीं, आगे होगा तो मारे यार लाइट फ्लैश हो सामने। अबे ये तो देखिए काम मेरे मुंह में मारे, इधर मार। आपको आवाज आ रही होगी पानी की लहरों की बस, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, पर इस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं रहा। वो आगे 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 अबे यार पैर की टोटल रूम रिकमेंडेड है, बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत। हाँ विदाउट चाबी नहीं खुलता सर ये, आपको बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल पंजे में रुकना ही नहीं है, जाना बाहर भी जाना है, वहाँ गए नहीं इसलिए पता नहीं, लेकिन यहाँ पर रात को कुछ भी नहीं, नाइट लाइफ कुछ नहीं है, 9 बजे बाद कोई नहीं दिखेगा आपको, टूरिस्ट कुछ है ही नहीं, खाना भी नहीं मिला, इवन शॉप्स बंद है सारे, तो हमने खाना भी यहीं होटल में ऑर्डर किया है। लाइट जलाओ, ठीक है ये हमारा है पनीर दिख रहा दूर से, और ये वेज, ये नॉन वेज, और ये वेज। एक रूम में चार लोग कैसे रखा हुआ, तुम्हारे पास वो क्या रखा हुआ? कैसे लगी आपको? कड़वी दे दी यार। अभी टाइम हो गया 10:30 और कल जाना है कौन सी जगह? मल्लम कुल्लम गोल्डन ना टेम्पल, नहीं टेम्पल तो यही है, अरपोरा जाना है कल बाघा बीच के पास, वहाँ पर हमारा 3 दिन का स्टे एयरबीएनबी का, तो एयरबीएनबी एक्सपीरियंस कल आपके साथ शेयर करेंगे कैसा लगा, एयरबीएनबी कैसा रहा, और रखते हैं सोएंगे थोड़ी देर में, और कल तो आराम से निकलेंगे 1 बजे चेक इन है वहाँ पर, तो हम लोग कुछ 10 बजे निकलेंगे, 10-11 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक बाय बाय।